Hello friends, welcome back. Here we will start a new book, that is the Instant Plant Science, which is very useful in terms of JRF plant science. And we will first start about genetics. Here we go, and if we start from genetics, genetics is the we all know that genetics is the science that deals with the heredity and variation. What is inheritance? Inheritance means the transmission of genes governing any trait. Trait means any character, like hair color, in case of pea, that is pod shape, flower color, etc., which pass on from parents to its progeny. That is the inheritance. And what is variation? Variation means difference among individuals in a single species for a single trait. Likewise, for flower color, flower color और के लिए अगर देखा जाए तो एक रेड कलर का हुआ और एक वाइट कलर का हुआ फ्लावर. ये जो डिफरेंस है एक 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 फ्लावर के बीच में, एक इंडिविजुअल और एक सिंगल स्पीसीज में, जो फ्लावर का दो कलर में वेरिएशन है, यही इसको ही हम वेरिएशन बोलते हैं. But next is the gene. Gene, we all know, that is a functional unit which govern the development of various traits of an individual. How it governs? We all know that gene means is a part of DNA which code for or any mRNA, code for specific mRNA, which then translated into a protein. This protein in either forms an enzyme or use it in any biochemical process and controls any biochemical process, and that is how it helps in governing any and development of any character of a individual. Next, if we see, there is a cytogenetics. What is cytogenetics? Cytogenetics is very easy. It is the study about different aspects of chromosome, nucleus. अगर आप देखा जाए तो न्यूक्लियस एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी सारे क्रोमोसोम्स होती है और वही क्रोमोसोम के बीच अंदर ही डीएनए प्रेजेंट रहती है. तो इस क्रोमोसोम का स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या, जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के ऊपर ही जीन्स प्रेजेंट रहती है, जिसको हम डीएनए और डीएनए एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बोलते हैं. आगे बढ़े तो देखा जाए तो इसके बाद है साइटोलॉजी. साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी होता है जो सेल के अंदर बहुत सारे और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि प्लास्टिड हो गया, प्लांट सेल के आगे बात करें तो राइबोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया. ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में इस साइटोलॉजी में हम डील करते हैं. इसके बाद हम अर्लियर कुछ थियोरीज के बारे में देखते हैं जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था उस जमाने में. लाइकवाइज प्री फॉर्मेशन थियोरी. प्री फॉर्मेशन थियोरी में क्या बोला गया है कि एक मिनिएचर ह्यूमन बीइंग इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एग और स्पर्म्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेनी. एक प्रोजेनी का डेवलपमेंट किस कैसे होता है? वो जो मिनिएचर ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ के वजह से ही एक पूरा प्रोजेनी फॉर्म होता है. बट ये एक्सेप्ट नहीं हुआ उस जमाने में. एक्सेप्ट उस जमाने में कभी चर्चा में रहा है एंड एपिजेनेटिक जेनेसिस थ्योरी जो वुल्फ ने दिया था उसके द्वारा रिप्लेस हो गया था. आगे देखते हैं क्या बोला गया है. एक्चुअली ये जो हमारा प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसमें बताया गया कि जो एक मिनिएचर फॉर्म ह्यूमन का, ये अगर आप देख सकते हैं, हैंड है, ये पैर है, ये मस्तिष्क है, तो ऐसे करके हेड और टेल एक प्री फॉर्म्ड ह्यूमन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हमारा जो जर्म सेल्स है उसमें, और उसका बस ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है और न्यू बॉर्न बेबी फॉर्म होता है. लेकिन अगर बात में देखा जाए तो जो हमारा ये प्री फॉर्मेशन थियोरी है यही बताया गया है. और अगर एपिजेनेटिक्स थियोरी देखा जाए उसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें बताया गया है कि हमारा जो और फीमेल बॉडी है उससे ओवम आती है और जो मेल बॉडी है उससे स्पर्म आती है. उससे क्या फॉर्म होता है?
एक जाइगोट फॉर्म होता है। इस जाइगोट में माइटोटिक सेल डिवीजन के वजह से, माइटोसिस सेल डिवीजन की वजह से मास ऑफ आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म होता है, जिसका डिफरेंशिएशन होती है और डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट टिश्यू ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म होती है। और भी दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी हम इसके लेक्चर के दौरान कवर करने वाले हैं, वो है एक पैनजेनेसिस थ्योरी और एक है जर्मप्लाज्म थ्योरी। पैनजेनेसिस थ्योरी के अंदर जो डार्विन ने दिया था, क्या बताया गया है कि द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रेवल्स टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लाइक वाइज फ्रॉम द ब्रेन इट कम्स टू द गैमेट, देन एंड फ्रॉम हैंड इट कम्स टू द गैमेट। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लेग से आया, सब कुछ इस गैमेट में आती है, इस स्पर्म और एग उसके बाद मिलती है, मिलके जायगोट फॉर्म करते हैं। लेकिन जो वाइसमैन की जर्मप्लाज्म थियोरी है उसमें क्या बताया गया, उसमें बताया गया दो काइंड ऑफ बॉडी टिश्यूज होती है। एक है हमारा जो बॉडी ई पार्ट वाला, जो सोमाप्लाज्म नाम दिया उसने, और एक होता है हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट। उस रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो टिश्यूज होती है उसमें जो गैमेट फॉर्म होते हैं, बस उन्हीं में क्या होता है, लाइक वाइज इन द स्पर्म इन केस ऑफ मेल बॉडी एंड एग इन केस ऑफ फीमेल, इन दोनों में ही क्या होता है हमारा जो इंफॉर्मेशन अर्थात आगे प्रेडेंट से प्रोजेनी तक, प्रेडेंट से प्रोजेनी में जाने का इन जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर रहती है और वही आगे जनरेशन तक जाती है। यानी कि हमारा जो सोमाप्लाज्म की जो सेल्स होती है उसमें जो इंफॉर्मेशन रहती है वो कभी भी प्रोजेनी में पास नहीं होता, बस जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उस रिप्रोडक्टिव सेल से गैमेट फॉर्म होता है, उस गैमेट से हमारा जाइगोट फॉर्म होता है, उस जाइगोट में से ही हमारा जो पेरेंट से प्रोजेनी तक का इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। नेक्स्ट देखा जाए तो यह ई पेड वही बताया गया है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट थियोरी जो लैमार्क ने दिया था वो है एक्वर्ड ई कैरेक्टर का। इसका मतलब होती है कि अगर आपने एक बहुत अच्छे बॉडी बना लिया, ठीक है, तो बहुत अच्छे बॉडी आपने बना लिया तो आपका जो अगला जेनरेशन आएगा उसमें उसमें भी वो बॉडी ट्रांसफर होगा। यहाँ क्या बताया गया है, क्या कैरेक्टर्स एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल इन वन जनरेशन, एक जनरेशन में अगर कुछ कैरेक्टर गेन होता है तो अगले जनरेशन तक को ट्रांसमिट होते हैं। ये आप सबको पता है ये गलत है। इसके बाद पैनजेनेसिस थ्योरी, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। जो पैनजेनेसिस की भी थ्योरी था वो भी गलत साबित हो गया वाइसमैन के जर्मप्लाज्म थ्योरी के बाद। जर्मप्लाज्म थियोरी जो वाइसमैन ने दिया था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और उसने क्या किया था, वो उसने 22 जनरेशन तक माइस का जो वो टेल होता है वो काट कर दिखाया, बट कभी भी उसका जो जो टेललेस टेल काट दिया, जो टेललेस जो माइस था उससे कभी भी टेललेस वाला पैदा नहीं हुआ। सभी जनरेशन में उनको टेल टेल माइस मिला। तो इससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर उनको टेललेस वाला मिला था वो कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में जाती नहीं है। उसने भी दो डिस्टिंक्ट टाइप के टिश्यू के बारे में बताया, एक है सोमाटोप्लाज्म जो बॉडी टिश्यू होती है जिसमें और जो गैमेट नहीं प्रोड्यूस करता, और एक है जर्मप्लाज्म जो गैमेट प्रोड्यूस करता है। और ये जर्मप्लाज्म टिश्यू क्या होता है ना, नेक्स्ट जनरेशन तक गैमेट फॉर्मेशन की माध्यम से जाती है। उसके बाद और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट, उस जमाने में काफ़ी चर्चे में रहा एक थ्योरी जो है ब्लाइंडिंग इनहेरिटेंस, जिसको जिसमें क्या बताया गया कि जो जेनेटिक मटेरियल होती है वो टू पेरेंट्स से आके, यहाँ पर अगर हम देखें तो टू पेरेंट्स से आके ब्लेंड और मिक्स्ड हो जाती है प्रोजेनी में। और लेकिन मेंडल का कहना क्या था कि जो पेरेंट्स से
जो प्रोजेनी में आती है वो जो जो चीज़ आती है एक्चुअली पार्टिकुलर नेचर की होती है और कभी भी मिक्स नहीं होता। अगर यहाँ पर हम देखें ये जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस है और ये मेंडल का जो सोच थी, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में क्या होता है, स्मूथ एक कैरेक्टर है अपेरेंट वन में, और अपेरेंट टू में रिंकल कैरेक्टर जो है वो एफ वन में क्या होता है, सेमी रिंकल, ये ब्लेंड होके एक इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट एड एड फॉर्म करती है। लेकिन जो मेंडल ने बताया कि ए अगर कैपिटल एस हुआ और ए स्मॉल एस हुआ, इसमें कैपिटल एस स्मॉल एस, एंड जो ए जो डोमिनेंट वाला है वही इसमें वही इसमें एक्सप्रेस करती है, यानी कि ये दोनों ब्लेंड होकर इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म करता है। लेकिन जो हमारा जो क्वांटिटेटिव कैरेक्टर हो गया लाइक यील्ड यील्ड, इसमें ये जो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि इसमें दो पेरेंट से जो कैरेक्टर आती है वो ब्लेंड हो जाके एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर फॉर्म करती है। इसके बाद अगर देखें तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। उसका जो एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स था उस ज़माने में काफ़ी हद तक साइंटिस्ट को समझने में दिक्कत हुई थी। उसका जो वो एक्सपेरिमेंट था उस ज़माने में वो सोच पाना भी काफ़ी चर्चा का विषय था, अभी भी समझने में लोगों को दिक्कत होती है। एंड उसने ही नींव रखी थी जेनेटिक्स की, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। उसने पी गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उनका जो पेपर था वो 1866 काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर है, उसमें पब्लिश किया गया था। उसने दो लॉ दिया था, एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा नंबर पर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक काफ़ी बुक्स में दिया हुआ है, गलत है, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का के उन्होंने किस कोई भी लॉ नहीं दिया था, वो एक हाइपोथेसिस था कि जो कैपिटल आर इनसे कैपिटल स्मॉल आर अगर कॉस किया जाए, इसमें से जो कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर फॉर्म होती है, ये जो जो कैरेक्टर और यहाँ पे एक्सप्रेस करती है उसको डोमिनेंट बोला जाता है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाते उसको हम रिसेसिव फॉर्म बताते हैं। ये बस एक हाइपोथेसिस है, और लो कितना होते हैं, बस दो लॉ ही उन्होंने दिया था जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मेंडल ने कंक्लूड क्या किया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेंडल ने कंक्लूड किया था कि जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि पेरेंट से जो प्रोजेनी में आ रहा है, क्या आ रहा है, जो आ रहा है उसको उन्होंने क्या नाम दिया, फैक्टर कह के बुलाया, जो जिसको हम अभी क्या नाम से जानते हैं, जीन नाम से जानते हैं। और ये जो जीन होती है वो एक पार्टिकुलेट मीन्स पार्टिकल नेचर का होता है, ना ही कोई ब्लड और ना ही कोई लिक्विड होती है, लिक्विड होता तो वो ब्लेंड हो जाता, लेकिन पार्टिकुलेट होता है इसलिए वो एक दूसरे से ब्लेंड और मिक्स नहीं होता, एक दूसरे से अलग रहती है, और एक दूसरे से अलग रह के ही वो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास ऑन होती है। यह हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया, इसके बाद हमारा जो करेक्ट चैप्टर है वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ द क्रोमोजोम। ट्राम क्रोमोजोम और जो ट्राम है, इस ट्राम को पहले किसने इस्तेमाल किया था वो है वाल्डर, और फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था वो है स्ट्रॉसबर्गर। पहले 1875 में श्रॉसबर्गर ने डिस्क्राइब कर दिया, उसके बाद वाल्डेयर जिन्होंने ये 1888 में इसका नाम दिया। क्रोमोसोम का अगर हम डिवाइड करें कि क्रोमा मीन्स अच्छे क्रोमा मीन्स कलर्ड और सोमा मीन्स बॉडी, इनको हम जो बेसिक डाई होते हैं एसिडोकार्बिन फ्यूज एंड डाई उससे हम कलर कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्रोमोसोम पड़ गए। अगर क्रोमोसोम का हमने लोग डेफिनेशन देखे तो क्रोमोसोम का अगर डेफिनेशन देखे तो
क्रोमोसोम क्या होता है, एक रॉड शेप्ड होता है। रॉड शेप्ड का मतलब होता है यही, इस तरफ का एक रॉड शेप्ड होता है, डार्कली स्टेन बॉडी होता है, कब दिखता है, मेटाफेज स्टेज में, और मियोटिक मेटाफेज स्टेज में नहीं दिखा जाता है। इसको हम जो स्टडी करते हैं वो बस माइटोटिक जो मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस विच इज स्टेन्ड विथ सुइटेबल बेसिक डाई। क्यों बेसिक डाई से हम कर सकते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम में हमारा क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट रहता है, और उस डीएनए में क्या होता है ना, फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है, फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। वो जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है कि एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। न्यूक्लिक एसिड हम बोलते हैं ना, डीएनए डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए हम बेसिक डाई यूज कर सकते हैं क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए। इसका एग्जांपल अगर देखें तो फ्यूलजेंड डाई, एसिडोकार्बिन एटसेट्रा। इसके बाद क्या कि क्रोमोसोम नंबर को हम काउंट करते हैं कब ना, माइटोटिक मेटाफेज स्टेज में। अगर देखा जाए तो ईच स्पीसीज, हर एक स्पीसीज में एक डेफिनेट एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहती है। जो सोमाटिक सेल है उसमें 2n और 2 कॉपी प्रेजेंट रहता है एक क्रोमोसोम का, और जो गैमेटिक सेल्स होती है उसमें बस एक ही कॉपी हर क्रोमोसोम का प्रेजेंट रहती है। सोमाटिक क्रोमोसोम नंबर जो होती है वो सोमाटिक सेल में होती है, और सोमाटिक सेल में क्या होता है, 2 कॉपी प्रेजेंट रहती है। गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो गैमेट में पाया जाता है, और एग्जैक्टली हाफ सोमाटिक क्रोमोसोम नंबर का हाफ होती है, जिसको हम लोग हैप्लॉयड और एन के नाम से लिखते हैं। इसके बाद जो काफी इम्पोर्टेंट एक टर्म है जो है होमोलोगस क्रोमोजोम। होमोलोगस क्रोमोजोम क्या होते हैं ना, एक क्रोमोजोम का 2 कॉपी हर एक सेल में, जो हमारा जो सोमाटिक सेल होती है उसमें एक क्रोमोजोम का 2 आइडेंटिकल कॉपी प्रेजेंट रहती है। सोमाटिक सेल क्या होता है, कैपिटल 2n होता है और डिप्लॉयड होती है। इसका जो एक क्रोमोसोम आता है ये एक आता है माता से, और एक क्रोमोसोम आता है एक पिता से, जो एक सिमिलर होते हैं जीन कंटेंट, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी जीन कंटेंट है, जीन ऑर्डर में काफ़ी सिमिलर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बाद क्या है, आइसोक्रोमोसोम। आइसोक्रोमोसोम क्या है, आइसोक्रोमोसोम होता है जिसका दो क्रोमोसोम का क्या होता है ना, 2 आर्म होता है, एक आर्म होता है एक आर्म। तो ये दोनों आर्म अगर सिमिलर है, एक दूसरे से आइडेंटिकल है जीन कंटेंट और मॉर्फोलॉजी में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आइसोक्रोमोसोम बोल सकते हैं। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, दो क्रोमोसोम कैसे एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये एक अगर क्रोमोसोम है, इसका अगर ट्रांसवर्स डिवीजन हो गया किसी कारण से, तो इसमें से ये जो ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला जो है ये क्या कर सकते हैं, आइसोक्रोमोसोम, दो आइसोक्रोमोसोम फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, दैट इज एंडो रिडुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, शाम कुछ कुछ सेल होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा राउंड डीएनए रेप्लिकेशन हो जाते हैं, लेकिन सेल डिवीजन होता नहीं है। इससे क्या होता है ना, एंडो पॉलीप्लॉइडी पैदा हो जाता है, यानी कि एक सेल में जो 2n था उससे बढ़ के 4n, 8n तक, 6n, 8n तक हो सकता है, लेकिन उनका सेल डिवीजन नहीं होता है। इससे क्या होता है ना, एंडो पॉलीप्लॉइडी फॉर्म होता है। दो एक्सेप्शन है इसकी, एक है क्रेपिस स्पीसीस और एक है लेक्टुसा। इसमें एंडोपॉलीप्लॉइडी दिखा नहीं जाती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है क्रोमोसोम डिमिन्यूशन, एक इसमें दिखा जाता है, ये पहले देख लेते हैं, ये दिखा जाता है पैरास्करिस इक्वाडा में। एक्चुअली होता क्या है, इसका जो क्रोमोसोम नंबर है ये सबसे कम है, 2n = 2। इसमें एक होता क्या है ना, इसका जो क्रोमोसोम है वो बस जो गैमेटिक सेल होता है उसमें ही ये कंप्लीट सेट प्रेजेंट रहती है, यानी कि ये और एक पॉइंट है, ये एक पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम होती है,
जो कि आफ्टर सेल डिवीजन जो सोमाटिक सेल फॉर्म होता है उसमें छोटा छोटे करके बहुत सारे क्रोमोसोम फॉर्म हो जाते हैं। तो एक कॉम्प्लीट जो इसका क्रोमोसोम है वो बस इसका जो गैमेटिक सेल है उसमें ही प्रेजेंट रहती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम डोमिनेशन। क्या बताया गया इसमें कि इंसान एनिमल सेल्स, कुछ एनिमल सेल्स में क्या होता है कि कंप्लीट सोमाटिक कॉम्प्लीमेंट मे बी प्रेजेंट ओनली इन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू। ओके, एंड व्हाइल सम क्रोमोसोम और इट्स पोर्शन मे बी एलिमिनेटेड इन सोमाटिक टिश्यू। ये जो पॉलीसेंट्रिक होता है इसलिए इसका जो मिस डिवीजन हो जाते हैं, यहाँ से भी डिवीजन हो गया, कभी भी यहाँ से डिवीजन हो गया, यहाँ से इधर चला गया, ये डिवीजन में दिक्कत आएगा तो छोटा बड़ा हो जाती है, तो कुछ पार्ट मिसिंग भी हो सकता है। तो इसलिए जो कॉम्प्लीट सेट है वो बस जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसमें ही प्रेजेंट रहेगा। इस फेनोमेनन को ही हम बोलते हैं क्रोमोसोम डिमिनेशन। प्लांट की अगर बात किया जाए तो सबसे लोएस्ट नंबर पे क्रोमोसोम किसने प्रेजेंट रहते हैं, 2n=4, दैट इज द हैप्लोप्रोपस ग्रेसिलिस में। डाइकॉट जो प्लांट होता है उसमें ज्यादातर क्रोमोसोम नंबर दिखा जाता है, और जो ज्यादा क्रोमोसोम नंबर दिखा जाएगा तो उसमें क्रोमोसोम का जो लेंथ है होगी वो काफी शॉर्ट होगी मोनोकॉट्स के तुलना में। इसके बाद अगर हम क्रोमोसोम साइज के बारे में देखें तो लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट क्रोमोसोम हम कहाँ किस स्टेज में देखते हैं ना, इंटरफेज स्टेज में देखते हैं। क्रोमोसोम का जो एक्चुअली साइज है, उसका जो लेंथ है, डायमीटर है, वो जब मन जो सेल डिवीजन का फेजेस है, डिफरेंट फेजेस में वो बदलती रहती है। अगर पहला फेज जो है इंटरफेज, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है और थिनेस्ट भी होती है। जब तक आगे बढ़ते हैं तो ये क्रोमोसोम का जो साइज है वो काफ़ी थिक हो जाती है, और थिकेस्ट कब होती है, थिकेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो हम बोलते हैं वो एनाफेज में हो जाती है। लेकिन हम क्रोमोसोम को स्टडी कब करते हैं, मेटाफेज में। क्यों? क्योंकि मेटाफेज में ही ऐसा स्टेज है जिसमें एक मेटाफेज प्लेट फॉर्म होता है और सभी क्रोमोसोम एक प्लेट बराबर सज्जित रहती है, प्लेट बराबर प्रेजेंट रहती है। इसमें हम स्टडी करने में काफ़ी इजी होता है, इसलिए हम स्टडी कब करते हैं, माइटोटिक मेटाफेज में। और सबसे स्मॉलेस्ट लेकिन कौन सा स्टेज है, उसको दिखा जाता है एनाफेज स्टेज में। यही इसमें बताया गया कि क्रोमोसोम की स्टडी या साइज भी मेजर करा जाता है किस स्टेज में, माइटोटिक मेटाफेज स्टेज में। इसके बाद अगर देखा जाए जो क्रोमोसोम का साइज है एक्चुअल में, तो वो लेंथ होता है 0.5 से 0.32 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है, और उसका जो डायमीटर है, उसका जो लेंथ हो गया, ये जो लेंथ हो गया और एक वो डायमीटर हो गया, तो जो डायमीटर है वो 0.2 से 3 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है, और जो लेंथ हो गया वो 0.5 से 32 माइक्रोमीटर तक वेरी कर सकती है। जो जायंट क्रोमोसोम है और इसको पॉलिटिन क्रोमोसोम भी बोला जाता है, ये एकमात्र क्रोमोसोम है जो जिसको हम इंटरफेज स्टेज में भी देख सकते हैं, जनरली किस स्टेज में स्टडी कर सकते हैं, जनरली हम स्टडी करते हैं मेटाफेज स्टेज में, उस स्टेज में ही दिखा जाता है क्रोमोसोम को। लेकिन जायंट क्रोमोसोम इसका जो साइज है काफी ज्यादा होती है, इसलिए हम इंटरफेज स्टेज में ही इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद का जो है वो है क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी। क्रोमोसोम का जो मॉर्फोलॉजी है वो सेल डिवीजन के विभिन्न स्टेज में डिफरेंट होती है। अगर हम स्पेसिफाई करें तो कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लाइकवाइज क्रोमाटिड, सेंट्रोमिया, टेलोमिया, सैटेलाइट, ये मेटाफेज स्टेज में दिखा जाता है। और एक जेआरएफ में पूछा गया एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है आपके लिए, जो है क्रोमोमिया। ये सब जो स्ट्रक्चर है मेटाफेज में देखा जाता है, लेकिन ये जो क्रोमोमिया का स्ट्रक्चर है वो केवल मियोटिक प्रोफेज की पैकाइटिनी स्टेज में दिखा जाता है, ये जेआरएफ में पूछा गया है। इसके बाद अगर देखें तो क्रोमाटिड क्या होता है ना, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है
उसको ही हम प्रोमोटिव बोलते हैं, जो उससे ज़्यादा हम और डिविजन कर नहीं सकते। ये जो कोमा एक क्रोमोजोम हो गया, इसका जो ये पूरा जो बॉडी है इसको हमें क्रोमेटिड बोलते हैं। इसको अगर हम तोड़ दें तो ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को हैम्पर कर देगा और फंक्शनल कैपेबिलिटी को भी हैम्पर करेगा। इसके बाद क्या है सॉरी इंटरफेज स्टेज में, अगर टेलोफेज स्टेज के बाद हर एक क्रोमोसोम का एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट रहते हैं। ये एस फेज इंटरफेज की जो एस फेज है इससे जाएगा, तब इसका क्या होगा रेप्लिकेशन हो गया, यानी कि ये जो क्रोमोसोम था इसका और एक कॉपी भी फॉर्म हो जाएगा। तो इससे जो कॉपी फॉर्म हुआ इस दोनों क्रोमेटिड को हम क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसका और एक होमोलोगस क्रोमोसोम भी इसमें था, इसमें प्रेजेंट था, उसका भी कॉपी तैयार हो गया। उसका भी जो ये जो दो क्रोमेटिड फॉर्म हुआ इसको हम क्या बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये जो दोनों होमोलोगस का जो क्रोमेटिड है इन दोनों का हम क्या बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। समझ में आ गया कि एक दो जो होम एक होमोलोगस एक क्रोमोसोम का रिप्लिकेशन के बाद जो कॉपी फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, और दो जो होमोलोगस क्रोमोसोम था एक सेल में उस दो क्रोमोसोम का जो दो अलग अलग क्रोमेटिड है उसको हम बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद डिफ्यूज सेंट्रोमियर, इसका मतलब है कि सेंट्रोमियर नॉन लोकलाइज्ड है। किसी क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है एक पॉइंट पे होता है, यानी कि एक निर्दिष्ट प्लेस में प्रेजेंट रहती है। किसी क्रोमोसोम का ये सियोर नहीं है, ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर इज मोर डेंसली पैक्ड होता है, 300 क्रोमाटिन फाइबर से बने हुए थे। इसके बाद जो है कोहेसिन कॉम्प्लेक्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है एक ग्लू की तरह हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं टू सिस्टर जो क्रोमाटिन फॉर्म हुआ उस दो सिस्टर क्रोमेटिड को एक बाइंड करके रख देती है, यानी कि इस जगह पे कोहेसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं जो बस हेल्ड टुगेदर रहते हैं, इसको पूरी तरह से जोड़ नहीं देते बस हेल्ड करके रख देते हैं। कब फॉर्म होता है ये भी एस फेज में ही फॉर्म होता है, क्योंकि जब सिस्टर क्रोमेटिड फॉर्म होगा उस फेज में ही तो हमको इस दोनों इन दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने को जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए ये कोहेसिन कॉम्प्लेक्स ग्लू की तरह फॉर्म होके यहाँ पे हेल्ड करती है दो सिस्टर क्रोमेटिड को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो कोहेसिन कॉम्प्लेक्स का जो कोर है वो किससे बना हुआ होते हैं, एक हेटेरोडाइमर ऑफ एसएमसी स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम। एसएमसी का जो दो प्रोटीन है एसएमसी 1 एंड एसएमसी 3 इन दोनों प्रोटीन से बने हुए हैं, और एक है एसएससीपी 1। ये प्रोटीन क्या करती है, ये जो दो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलके एक ऐसा करके एक बना देती है, यहाँ पर एसएमसी प्रोटीन एक एसएमसी कॉम्प्लेक्स दोनों बन देते हैं। और ये जो एसएससी वन प्रोटीन है ये क्या करती है, ये इन दोनों को लॉक की तरह प्रेजेंट रहती है, लॉक कर देती है, इसके भीतर से क्या होगा ना क्रोमोसोम का पास होगा। अगर ये टूट जाए जो होता है एनाफेज स्टेज में, तब क्या होता है ये दो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है। यहाँ पे यही बताया गया कि एसएससीपी 1 जो प्रोटीन है वो अलाउ करती है कि सेपरेशन सिस्टर क्रोमेटिड का एनाफेज स्टेज में जो सेपरेशन होती है उसको सेपरेट करने की काम करती है।
इसके बाद है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए क्या है, जो सेंट्रोमेरिक रीजियन है क्रोमोसोम का, जो सेंट्रोमेरिक रीजियन है, जो टेलोमेरिक रीजियन है, इन सब जगह पे कुछ हाईली रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए और सैट डीएनए। ठीक है, जो क्या करती है, माइनर बैंड फॉर्म करती है रेस्ट क्रोमोसोम से, वो एक माइनर या छोटा छोटा बैंड का फॉर्मेशन कर देती है। इसके बाद ये है सैटेलाइट डीएनए, और सेकेंड और सैटेलाइट क्रोमोसोम अलग है। अगर सैटेलाइट क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, ये सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पर अगर कोई और सेकेंडरी क्रोमोसोम सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखा जाए, तो इस जो जगह है सैटेलाइट रीजन बोलते हैं, और इस क्रोमोसोम को पूरा काम सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन सैटेलाइट डीएनए क्या है, सैटेलाइट डीएनए जो हाईली रिपीटेटिव डीएनए जो सेंट्रोमियर में टेलोमियर में प्रेजेंट रहती है, उसको ही हम सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, जो आगे भी है बात करेंगे। इसके बाद है टेलोमियर। टेलोमियर एक हमारा जो सू लेस होता है, हमने सभी ने देखा होगा, जो सू का लेस होता है उसके आगे एक प्लास्टिक का ऐसे करके चीज़ रहता है, अगर ये टूट गया तो ये क्या, ये पूरा खुल जाए। ऐसा ही है क्रोमोसोम का जो टेलोमियरिक रीजन है, वो भी ऐसे ही काम कर सकता है। वो क्या करता है, क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रदान करती है, एक क्रोमोसोम से और एक जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से मिस एक दूसरे से लग ना जाए, फ्यूज ना हो जाए। यानी कि जो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी है, स्टेबिलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, उसको मेंटेन करने का काम करती है। ये हाईली स्टेबल होता है, डोंट फ्यूज विथ अदर क्रोमोसोम एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ द क्रोमोसोम। इसमें क्या प्रेजेंट है, शॉर्ट टैंडेम रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, और एक चीज फॉलो फॉर्म करते हैं, वो एक हेयरपिन लूप फॉर्मेशन करती है, जिससे ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। दैट इज व्हाई इट गिव्स इट द क्रोमोसोम स्टेबिलिटी। और टेलोमियर का एक प्रॉब्लम आती है, हर बार जब रिप्लिकेशन होती है, टेलोमियर का डिलीशन का एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो टेलोमियर को अगर रिप्लिकेट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम इम्पॉर्टेंट है, वो है टेलोमरेज एंजाइम, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम है। इसके बाद है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हमने पहले ही बता दिया, अगर ये सेंट्रो ये जो क्रोमोसोम का जो पहला जो कंस्ट्रिक्शन था, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, वो किसको बोलते हैं, हम सेंट्रोमियर को बोलते हैं। ठीक है, वो हम किसको बोलते हैं, ये जो कंस्ट्रिक्शन है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर बोल सकते हैं। इसके बाद अगर इसके बाद भी और भी कोई कंस्ट्रिक्शन दिखा जाए, तो उसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोल देंगे, और उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट क्रोमोसोम बोलेंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला है, ये ज़्यादातर स्मॉल जो एंड होता है, स्मॉल जो क्रोमेटिड का पार्ट होता है, उसमें ही प्रेजेंट रहती है। क्रोमोसोम रीजन डिस्टल टू सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, दैट इज द रीजन बिहाइंड सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एंड द नियरेस्ट टेलोमियर। दैट मीन्स अगर हम देखें तो ये अगर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है, इससे बाद का जो क्रोमोसोम का पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। जो ह्यूमन क्रोमोसोम है वो 13, 14, 15, 21 एंड 22, इन सभी जो क्रोमोसोम है उसमें ये सैटेलाइट प्रेजेंट रहती है। सेकेंडरी क्रोमोसोम जिसमें कंस्ट्रिक्शन जिसमें प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैट क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर जो एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहती है, वो हर टाइम इस जो जो हमारा जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है उससे एसोसिएटेड होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजेशन रीजन, इसको
NORB बोला जाता है। न्यूक्लियोलर जिसमें प्रेजेंट रहती है उस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्रोमोसोम। आगे बढ़ते हैं। बट इस क्रोमोमियर, क्रोमोमियर हमने पहले ही बोला था, ये कहाँ पे प्रेजेंट दिखा जाता है? बस पैकाइटिन स्टेज में दिखा जाता है। ये एक स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्रोमोमियर होता है कि एक मोस्ट क्लियरली विजिबल इन केस ऑफ एक डिप्टेरान, जो सेलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम होती है उसमें एक क्लियरली विजिबल होती क्रोमोमियर की केस में जो क्रोमाटीन होती है वो काफी हाईली कॉन्डेंसेटेड में प्रेजेंट रहती है। ये जो बीड होती है ना, इसमें जो क्रोमाटीन है वो काफी कॉन्डेंसेटेड में प्रेजेंट रहती है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजी है जो है, एक है कैरियोटाइप और एक है इडियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? हमारा जो क्रोमोसोम है सभी सोमाटिक सेल में, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि जो सोमाटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, सोमाटिक सेल में जो भी क्रोमोसोम है, जो भी क्रोमोसोम जैसा भी दिखता है वो, उसको हम क्या कर सकते हैं कि अरेंजिंग द क्रोमोसोम बाय डिसेंडिंग ऑर्डर इन देयर साइज, साइज के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बड़ा से छोटा तक ऐसे करके सभी क्रोमोसोम को हम प्लेस कर सकते हैं, जिसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं परफेक्टली। और जो इडियोटाइप है, इडियोग्राम और इडियोटाइप जिसको हम बोलते हैं, वो एक लाइक एक ओरिजिनल क्रोमोसोम है और एक सोमाटिक क्रोमोसोम सेट को रिप्रेजेंट कर सकती है। लेकिन जो इडियोग्राम है वो क्या करती है, वो बस एक एन अर्थात जो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है उसको बस, इसका जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, क्रोमोसोम का जो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको ये दिखाती है। ये एग्जैक्ट डायग्राम है, ये एग्जैक्ट पिक्चर नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो कैरियोटाइप है और इडियोग्राम है, ये क्या हमको सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? जी हाँ, ये दोनों ही क्या करती है ना, सेम इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करती है। और एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमेशा कंफ्यूज करता है जो है इडियो इडियोटाइप। इसका जो स्पेलिंग है ये है इडियोटाइप, ओके, डी आई है इसमें, लाइक यानी कि डायग्राम, डी आई ए जी आर ए। यहाँ पे ये है कि आइडियल, आइडियल प्लांट टाइप, ये अलग चीज है। इसके बाद देखे तो परफेक्टली सिमेट्रिक कैरियोटाइप क्या होता है? परफेक्टली सिमेट्रिक कैरियोटाइप क्या होता है कि सभी जो क्रोमोसोम होंगे सभी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होंगे, यानी कि ऑल मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ऑफ सेम साइज कंस्टिट्यूट द परफेक्टली सिमेट्रिक कैरियोटाइप। जो प्रिमेटिव, हमारा जो प्रिमेटिव स्पीसीज है उसमें सभी क्रोमोसोम ऐसा दिखता था, यानी कि सभी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम था। उससे कभी इवोल्यूशन हुआ और अभी का जो जो कैरियोटाइप है एक स्पीसीज का, उसमें सिमेट्री दिखा नहीं जाता है, वो काफी असिमेट्रिक है, यानी कि उसमें एक्टोसेंट्रिक भी प्रेजेंट रहेगा, उसमें और टेलोसेंट्रिक भी प्रेजेंट रहेगा, सभी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर क्या बोला, क्या है इडियोटाइप क्या करती है कि अप्लाइड क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद देखते हैं जो हमारा जो क्रोमाटीन है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो इंटरफेज स्टेज में देखे तो डीएनए का कंटेंट बाकी 30-40% होता है, प्रोटीन का 50-65% होता है और आरएनए काफ़ी कम होता है। उसके बाद ये सिंथेसिस हो जाता है, आरएनए सिंथेसिस होने के बाद आरएनए का कंटेंट भी 10-15 तक हो जाती है, प्रोटीन भी 50-70% हो जाती है। इसके तुलना में जो डीएनए का कंटेंट
डीएनए भी बांटती है, लेकिन इस प्रोटीन और आरएनए भी सिंथेसिस होता है, उसकी तुलना में ये बस 15 से 20% में रहती है मेटाफेज स्टेज में। क्रोमाटिन क्या है? क्रोमाटिन वो मटेरियल है जिससे क्रोमोसोम कंपोज होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनेबिलिटी। स्टेन कितना लेती है इसके बेसिस पे हम दो टाइप में भाग डिपेंड कर सकते हैं, एक है यू क्रोमाटिन और एक है हेटरोक्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन जो है वो लेस कंसलेसली पैक्ड होता है और यह एक्टिव रीजियन ऑफ द क्रोमोसोम जिसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन काफी जल्दी हो जाती है। अगर देखा जाए तो ये इंटरफेज स्टेज में काफी कम स्ट्रेन लेती है और मेटाफेज स्टेज में डीपली स्ट्रेन लेती है। इसके बाद है हेटरोक्रोमाटिन। हेटरोक्रोमाटिन कहाँ पे प्रेजेंट रहती है? हेटरोक्रोमाटिन हमने पहले भी बोला कि सेंट्रोमेरिक रीजियन और टेलोमेरिक रीजियन में प्रेजेंट रहती है। और ये जो है डेंसली पैक्ड होता है क्रोमाटिन फाइबर, इसलिए इनएक्टिव रीजियन ऑफ द क्रोमोसोम भी बोलते हैं। इसमें जो रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ये काफ़ी लेट होती है, लेकिन होती है। ये दो टाइप की होती है, एक है कॉन्स्टिट्यूटिव और एक होता है फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब क्या होता है? ये हर टाइम हेटरोक्रोमेटिन नहीं रहेगा। क्रोमोसोम का जो पहले भी बोला जो सेंट्रोमियर और जो टेलोमेरिक रीजन होता है उसमें जो हेटरोक्रोमाटिन प्रेजेंट रहती है ये कंस्टिट्यूटिव रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखा जाएगा। लेकिन जो फैकल्टेटिव होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो यूक्रोमाटिन है उससे समटाइम कन्वर्ट होकर हेटरोक्रोमाटिन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका उदाहरण उदाहरण अगर देखा जाए तो एक्स क्रोमोसोम का जो बार बॉडी है जो एक जो फीमेल में होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होती है, लेकिन एक क्या होता है? इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव हो जाती है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये कैसे होता है? ये हेटरोक्रोमेटिनाइजेशन के वजह से होता है, जो बार बॉडी का कंसेप्ट है। और भी अगर देखा जाए तो डोजेस कॉम्पनसेशन, पोजिशन इफेक्ट, वेरिएबल जीन एक्सप्रेशन, इन सभी इस फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन के वजह से होता है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम का दो टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। एक है हिस्टोन जिसको बेस जो बेसिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफन एब्जेंट होता है, और जो इसका पार्ट है H1 क्या होता है ना? लाइसिन रिच होता है, H1 लाइसिन रिच होता है, लाइसिन रिच H2A H2B H2B ये होता है स्लाइटली लाइसिन रिच। और जो H3 और H4 है ये आर्जिनिन रिच होता है। ये भी जेआरएफ में पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पार्ट होती है वो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो एसिडिक नेचर का होता है, जिसका उदाहरण अगर एग्जांपल देखा जाए तो डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एटसेट्रा। हिस्टोन जो प्रोटीन है वो टोटल जो क्रोमोसोम का प्रोटीन है उसका 80% तक कवर कर लेती है। और इसमें जो डीएनए और प्रोटीन और डीएनए का जो रेशियो है वो 1:1 होती है। लेकिन नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन है इसमें ऐसा कुछ रेशियो दिखा नहीं जाता। जो हिस्टोन प्रोटीन है ये काफ़ी कंजर्वेटिव है, यानी कि जनरेशन तक कंजर्व होती है, लेकिन ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो कंजर्व नहीं होती है। जो H1 जो ये जो प्रोटीन है ये ईस्ट के केस में H1 हिस्टोन प्रेजेंट नहीं रहते, इसमें क्या होता है प्रोटामिन का एक प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियोसोम ऑक्टामार फॉर्म करती है उसमें एक H1 जो लिंकर डीएनए का रोल प्ले करती है। उसके बाद जो बाकी जो चार हिस्टोन है H2A H2B इसका H3 H4 इस सभी का दो 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 मिल के दो दो यूनिट मिल के आठ एक यूनिट फॉर्म करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर भी बोलते हैं। जो H1 फ्रैक्शन है ये इजीली सेपरेटेड होता है, मोस्ट इजीली सेपरेटेड हो जाती है क्योंकि ये न्यूक्लियोसोम की कोर का अंतर्गत नहीं है, ये बाहर न्यूक्लियोसोम की बाहर पार्ट में प्रेजेंट रहती है वो, एंड इजीली सेपरेबल होती है। ये लिंकर की तरह आउटसाइड ऑफ द ऑक्टामर कोर की प्रेजेंट रहती है।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के दौर पे आ जाती है कि जो एक माइक्रोमीटर ऑफ क्रोमोजोम अगर देखा जाए तो ये 8000 माइक्रोमीटर ऑफ डीएनए, एक माइक्रोमीटर क्रोमोजोम का जो एक अगर क्रोमोजोम है इसका जो एक माइक्रोमीटर होगा ये कितने डीएनए को रिप्रेजेंट करेगा, वो 88000 माइक्रोमीटर डीएनए को रिप्रेजेंट और पैकेज कर सकते हैं। क्रोमोसोम की जो पैकेजिंग है इस डीएनए, इतना बड़ा डीएनए को जब पैकेजिंग करता है तो इसमें काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है कैसे पैकेज है ये सोच पाना। तो इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिया गया है, इसमें से एक इम्पोर्टेंट है जो है फाइबर फोल्डेड मॉडल जो डिप्रियो ने 1965 में दिया था। इसके बाद भी और भी कभी भी साइंटिस्टों ने काफ़ी मॉडल दिया है। क्रोमोसोम एग्जैक्टली क्या होता है ना, क्रोमाटिन जो फाइबर है जो 23 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है उससे बने हुए होते हैं। तो इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, वो किसने दिया था, वो दिया था थॉमस ऑन कॉर्नबर्ग में 1974 में। ये एक मॉडल है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। इसमें क्या बताया गया कि क्रोमाटिन जो है 23 आर्मस्ट्रॉन्ग का जो फाइबर हमने बोला तो उसका जो रिपीटेड यूनिट क्या है, उसका यूनिट है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम एक ऐसे करके देखना पड़ता है जो इसका जो 11 नैनोमीटर का डायामीटर है, इसका जो डायामीटर है वो 11 नैनोमीटर का और इसका जो लेंथ है वो 6 नैनोमीटर का होता है हाइट। एक न्यूक्लियोसोम में एवरेज 200 बेस पेयर का डीएनए पाया जाता है। इसको अगर हम न्यूक्लियस एंजाइम से डाइजेस्ट करें तो एक 146 बेस पेयर का डीएनए जो ऑक्टामार को और रैप करके रहती है, इस जो ये अगर न्यूक्लियोसोम है ऑक्टामार है इसको रैप करके ये ऐसा करके रहती है जो 1/3/4 ट्रांट और 1/7/5 ट्रांट में प्रेजेंट रहती है, जिसमें एक 146 BP डीएनए होती है। इसके बाद जो है H1 हिस्टोन जो है वो लिंकर डीएनए की तरह लिंकर जो डीएनए है उससे बाइंड रहती है। आप सभी को पता होगा कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है ना, सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। सेमी कंजर्वेटिव होते हैं, एक किसने पहले बताया, एक ए, पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। इसको प्रूव किसने किया था ना, मेसेलसन मेसेलसन एंड स्थल ने किसमें ना इकोलाई में इसको प्रूव किया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्रोमोसोम का जो रिप्लिकेशन है वो भी सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही होती है। इसको प्रूव किसने किया था, टेलर ने प्रूव किया था इसमें ना यूकेरियोटिक जिसका नाम है विषिया फैबा में। उसने क्या किया था, ग्रोन रूट ट्यूब लिया था और H3 मीडियम में 8 घंटे तक रख दिया था। उसके बाद इसको वॉश किया टू रिमूव द H3 एंड उसके बाद ट्रांसफर कर दिया नॉन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन एंड कोलचिसिन की मीडियम में। इसके बाद ऑडियो रेडियोग्राफी चलाया, उसमें दिखाया कि दो सिस्टर क्रोमाटिड जो है इस क्रोमाटिड में लेवल्ड प्रोवाइडिंग सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसी तरह उन्होंने प्रूव किया कि क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन है वो भी सेमी कंजर्वेटिव वे में होता है, लेकिन क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है डीएनए के कॉम्प्लिकेशन के तुलना में। इसके बाद है लैम्प्रास क्रोमोसोम, किस कुछ स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम है, इस जो इस देन जाइन क्रोमोसोम है एंड और एक है एक्सेसरी और बी क्रोमोसोम। अगर देखा जाए तो जो
लैम्ब्रास क्रोमोसोम है, इसके नाम से पता चलता है ये एक लैम्ब्रास की तरह दोनों साइड में ऐसे करके लूप फॉर्म करते हैं, और इस लूप में ही क्या होता है ना, आरएनए फॉर्मेशन होता है। ये कब दिखा जाता है, ये ऑब्जर्व करा जाता है डिप्लोटिन स्टेज ऑफ ए ओसाइट, ठीक है, ऑफ मेनी इनवर्टिब्रेट्स के इस तरह की लैम्ब्रास क्रोमोसोम दिखा जाता है। इसमें जो लूप फॉर्म होता है वो कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू अनकॉइलिंग ऑफ टू क्रोमाटिन फाइबर। तो क्रोमाटिन फाइबर की दो जो ऐसे जो क्रोमाटिन फाइबर है इसका अनकॉइलिंग हो जाएगा, अनकॉइलिंग होकर ऐसे दोनों तरफ लूप फॉर्म करता है, और वही लूप जो है क्या होते हैं ना आरएनए सिंथेसिस का साइट साइट परफॉर्म करता है। उसके बाद है जाइंट क्रोमोसोम, इसको पहले देखा किसने था, वॉल्बियानी ने डिप्टेरन सेलिवरी ग्लैंड में, जिसको हम पॉलिटिन क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है ना सोमैटिक पेयरिंग होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जाइंट क्रोमोसोम 2n न्यूक्लियस के क्षेत्र में बस n, यानी कि इसमें क्या होता है ना जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसमें ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका अब वापस में क्या होता है पेयरिंग हो जाती है, इससे क्या होता है एक बड़ा सा क्रोमोसोम फॉर्म हो जाता है। अगर चार क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 2n = 4 है, उसमें कितना जॉइंट क्रोमोसोम फॉर्म हो सकता है, बस दो ही क्रोमोसोम जॉइंट क्रोमोसोम फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर और भी एक कुछ बताया गया है कि बैंड्स फॉर्म होता है जिसमें सेवरल डार्क स्टेनिंग बॉडीज और लाइट नॉन स्टेनिंग इंटरबैंड्स भी प्रेजेंट रहती है। तो जो बैंड्स होती है उसमें क्या होता है ना जीन्स प्रेजेंट होती है, जो इंटरबैंड होती है उसमें लिस्ट डोंट हैव एटलीस्ट फंक्शनल जीन्स, उसमें कोई भी जीन प्रेजेंट ज़्यादातर केस में नहीं होती है। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है पाफ पाफ और बॉलबेनी रिंग, द लूप्स इन ऑफ दिस क्रोमोसोम एंड पाफ्स ऑफ जायंट क्रोमोसोम ग्रेटली इंक्रीजेस द डायमीटर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि इसमें पाफ और बॉलबियानी रिंग फॉर्म होती है ऐसे करके आके यहाँ पे एकदम ऐसे फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाती है अनकॉइलिंग की वजह से, जो पाम फॉर्म होती है तो उसमें आरएनए की सिंथेसिस ज़्यादातर हो जाती है। जो एक्सेसरी और हमारा जो जनरल अभी तक का जो डिस्कस किया वो जनरल क्रोमोसोम्स है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, उसको हम ए क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं। इससे आगे जो अगर कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है बी क्रोमोसोम, उसको हम बी क्रोमोसोम बोलेंगे। जो एक्सेसरी और सुपर न्यूमेरेटरी क्रोमोसोम भी बोलते हैं, इस क्रोमोसोम सेल्फिश क्रोमोसोम भी हम बोलते हैं क्योंकि इसका कोई अपना रोल नहीं है, ये हेटरोक्रोमाटिन के बने हुए होते हैं ज़्यादातर केस में, और इसका अपना कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हम इसको सेल्फिश क्रोमोसोम भी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम और भी आगे चर्चा करेंगे। इसके आगे लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें। थैंक यू।